बिल्ली गई, बाप रे कुछ तो बुरा होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल, वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडेज डेट इज 24th November, इट्स अ सैटरडे एंड द प्लान ऑफ टुडेज विजिट टू द मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेस गणपतिपुरे टेम्पल, आरेवारे रोड एंड इफ टाइम परमिट्स दैट वेल्लेश्वर टेम्पल एंड जयगढ़ फोर्ट विच आई हैव ऑलरेडी कवर इन माई वीडियो। इफ यू गाइज हैवंट सीन द लिंक विल बी इन आई बटन नाउ। होल जयगढ़ फोर्ट आई हैड एक्सप्लोर एंड मेड अनकट वीडियो ऑफ दैट, यू गाइज कैन चेक इट आउट। लेट मी शो यू द ब्यूटिफुल मॉर्निंग ऑफ गुआगर। व्हाट अ ब्यूटिफुल व्यू मैन, सन की रेस परफेक्ट लग रही है, कलर शेड कॉम्बिनेशन बन रहा है, वाओ व्हाट अ व्यू है। आई डोंट थिंक वन प्लस का कैमरा जस्टिस कर रहा होगा, बट इट्स लुक्स ऑसम। टिपिकल कोकनी होम, आई लव देम मैन। वहाँ पे ह्यूज माउंटेन बिहाइंड अस, कंप्लीटली कवर विथ ट्रीज, कुछ पोर्शन ही दिख रहा है ओपन वाला। एंड ऑल्सो देयर इज वन टेम्पल, लेट मी ट्राई टू जूम इट ऑन दिस माउंटेन। हियर इट इज। उस माउंटेन के एग्जैक्टली बीचों बीच है, टाइम मिला तो वहाँ पे विजिट करूँगा। विजिट गुआगर इज ऑलवेज द सेम, टू गेट रिफ्रेश, टू गेट रिचार्ज अवर बॉडी, टू कंटिन्यू द हेक्टिक जर्नी ऑफ मुंबई। यहाँ पे शुद्ध हवा बॉस बॉडी को तो चाहिए, और ब्रेक तो बनता ही है। सो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और अपना व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सी यू ऑन द रोड। सो फ्रेंड्स, इट्स 10:30, लेट हो चुका है, वी नो बट एवरीबडीज नोज लेडीज को कितना टाइम लगता है रेडी होने में। दिस इज उर्फाटा गणपति, आई एम स्टिल इन गुआगर सिटी। आई लव दिस स्मॉल रोड्स। बिल्ली गई, बाप रे कुछ तो बुरा होगा। Who cares? और वैसे भी मैं सब ये चीज़ें नहीं मानता, ये रोड बहुत छोटा है, अगर एक बड़ी बस आती है तो पूरा जाम हो जाता है। जैसे मैंने कल के व्लॉग में बताया, रोड्स बहुत ही गंदे हैं। सिटी के जस्ट पास के 2-3 किलोमीटर अच्छे किए हैं इन्होंने। सो अभी हमने लिया है तवसाल जेटी वाला रोड, तो ये विलेज वाला रोड है, थोड़ा केयरफुली चलाना पड़ता है, बच्चे लोग, गांव के लोग, बूढ़े लोग। और ये गौ माता जी, ये देखिए गौ माता क्या कर रही है, आप कहां से भी आ सकती है। सो यू शुड मेंटेन द स्पीड इन बिटवीन 40-60। यार ये रोड के नीचे से चला रहा है, पूरी धूल मिट्टी उड़ा रहा है यार, आंखों में जा रही है। हैव टू क्लोज द वाइजर। फ्रेंड्स जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस, वाओ कोकन, दे आर डूइंग फिशिंग ओवर देयर। फिश भी है थोड़े थोड़े, आपको दिखा देता हूँ। अभी तो ते कहाँ चले गए, ये देखिए वहाँ पे छोटे छोटे, वो देखिए। आई डोंट थिंक गिट 3 विल बी डू द जस्टिस, ऑसम प्लेस। जस्ट अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए था तो और अच्छा होता था, पूरा कचरा डाल दिया है। बाइक इज परफॉर्मिंग रियली वेल, सो लेट्स कंटिन्यू द राइड। आई हैव रीच्ड टू फेमस गणेश मंदिर ऑफ हिंदवी। स्टेयर से जाना तो आप यहाँ से जा सकते हैं, और पार्किंग वहाँ पे है। लास्ट टाइम इसको डिस्कवर नहीं कर पाया था तो इस टाइम करेंगे। सावली कुट्टा, हाय सावली। Temple, if you guys are traveling from this location, don't forget to visit this temple. क्या beautiful location पे ये मंदिर situated यार, really love it. Greenery, mountains. परफेक्ट लोकेशन, वाओ गाइस,
another awesome location. Look at that pipe. Last time I thought it was not enough water. It's sea water that comes from here and goes into the villages. Just become as a river. Wow. Greenery, 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 greenery. Gosh, I have a drone with me. लेना है, बजट नहीं है भाई. इन फ्यूचर डेफिनेटली अगर अपनी चैनल का ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होता है तो. क्या है, यूट्यूब का पैसा नहीं आ रहा है ना भाई. होप यू गाइस नो इट. हमें फ़ोटो निकलते देखते बहुत सारी गाड़ियाँ रुक गई यहाँ पे. वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी दो तीन गाड़ियाँ चली गई. वाई नॉट, इट्स ऑसम लोकेशन मैन. सी ब्यूटीफुल ट्रीज, पानी यहाँ से जा रहा है, पानी टोटल शाइन हो रहा है बिकॉज ऑफ सन. चलो लेट्स कंटिन्यू. अभी यहाँ से रोड बहुत ख़राब है, एक दो किलोमीटर यू कैन सी. ये ऐसे रोड है तो सेकेंड ईयर में ही धीरे 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 चलाना पड़ता है. RR310 के शॉक ऑफिसर को तो मान गया भाई, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है. आते वक्त देख लिया इतने खड्डों में से जाके, आई थॉट लाइव विला बेंड हो जाएगा इतने स्पीड में, मगर नहीं. तो ये एक यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि अलाय वगैरह बेंड हो जाएगा आपकी बाइक का तो क्या करना. जैसे मैं नॉर्मल करता हूँ, जितना PSI मेंशन किया रहता है मैन्युफैक्चर ने हमारे टायर्स को आगे पीछे, उससे 2 PSI में ज़्यादा रखता हूँ ऑलवेज. और नॉर्मली एवरी 15 डेज में मैं हवा चेक करता हूँ. 1-2 PSI कम होती जाती है, कभी कभी तो होती भी नहीं है. सो ये रूल फॉलो करो, आई एम मस्ट श्योर कभी आपको अलॉय बेंड का प्रॉब्लम तकलीफ नहीं होगी बाइक के ऊपर. क्योंकि जिक्सर में चला रहा हूँ मोर देन 3 ईयर्स हो गए, 3.5 साल हो गए. इससे इतने गंदे गंदे रोड में से फास्ट स्पीड में ऐसे पॉट होल्स में से चला है, अभी तक बेंड नहीं हुआ है. सो उसके ऊपर भी सेम रूल फॉलो करता हूँ मैं, 2 PSI आगे पीछे ज़्यादा, रिमेंबर दैट. वैसे भी धूप में चलाते वक्त 2 PSI एक्सपांड तो होते ही जाता है. Wow man, wow, what a road, I love it. अभी 12 बज चुके एग्जैक्टली, पता नहीं अभी कितने बजे की बोट रहेगी. हो आधे आधे घंटे का गैप रहता है बोट में, टिकट निकालना पड़ेगा बाइक का और हम तीनों का. बोट तो नहीं दिख रही है, दैट मीन वी हैव टू वेट. बहुत गाड़ियां हैं यार, बहुत गाड़ियां हैं. टिकट तो ले ली है, करंटली 12 बजे है और 12:40 का टाइमिंग है यार, तो अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स वेस्ट होने वाली है मेरी. वाटर वाटर वाटर, लुक एट द कलर ऑफ वाटर, वाओ ऑसम मैन. तो यहाँ से निकलेगी, वहाँ पे जाके जयगढ़ पोर्ट है, जयगढ़ जेटी के यहाँ पे रुक के फिर और जर्नी विल बी कंटिन्यू टू गणपतिपुळे. और यहाँ पे जयगढ़ फोर्ट है, तो टाइम परमिट्स करते तो आते वक्त वापस एक बार विजिट करेंगे. So now it's time to take some good snaps for Insta. If you guys haven't followed me on my Insta, then you are missing a lot, man. मेरे Insta की link video के नीचे आती रहती है, checkout कर लीजिए, description box में भी रहती है, and do follow me there. And here comes our jetty, full on pack, Matador से लेके सब four wheelers भी है. So now they are not allowing two wheelers first, they are allowing all the four wheelers. They will arrange the all four wheelers and they will allow some space for two wheelers. अच्छा है उल्टा, अभी जाके अंडर डाल देंगे ना तो ये सब गाड़ी निकलने के राह दिखना पड़ेगा. सो इट्स ऑलवेज बेटर बाहर की साइड रहे. होता है भाई, आराम से, कुछ टेंशन मत लो. ते पण बरोबर आहे, ती सहज बसली असती ती. सो फायनली वी बोर्ड इन, यू गाईज ऑलरेडी सीन द कंडिशन, हाऊ मेनी व्हेकल्स दे हॅव पुट, द बस, द मेटाडोर्स, ईच अँड एव्हरीथिंग, द वॉटर. वाव, लुक ॲट द ब्युटी मॅन.
me show the Jaigarh jetty. That is the place where we will going to land. Here it is. The hotel here is cooling down that boat. तो पानी में रहते तो ऊपर फिश के लेस रहते हैं, जेटी प्लेस पास में आ जाता है उसको नीचे कर लेते हैं. लुक एट दिस, लीव ऑल द वे. हाउ फास्ट इट इज. कितना लोड ले लेती है यार ये शिप. मान लिया वहाँ पे क्या पैसेंजर कैपेसिटी लिखा है 100. व्हाट अबाउट कार्स एंड ऑल दिस थिंग्स. ओ व्हाट्स दिस, इज रीअरेंजिंग द जेटी. ओह लुक एट दैट बिग शिप गाइस. ये रोड ऑसम है, ऑसम, बहुत अच्छे रोड्स हैं. बगाने में बहुत मजा आ रहा है. See over there, we are at Tivri Beach. Tivri, that is the name of the village. Wow man, Tivri Bandar Samudra Kinara. Look at this view, coastal road. Photo to banta hai, aage jaake photo lenge boss. How clean these beaches. What a view man, what a view. Mountains, coastal road and very clean beach. Clean view. Feels awesome man, feels awesome. So we have just entered Ganpatipule and now we are heading towards temple, the most famous temple of Ganesha in Konkan. ये फोर व्हीलर का पार्किंग अंदर का बाहर का, मगर हम लोग अंदर लेके जाएंगे. This is the entrance of temple and we have the parking over there. भाई बहुत क्राउड है आज भी सैटरडे. Now we are heading towards Harewari Road, which is 6 km from here. State road jata hai Kolhapur, Kolhapur, Nivali, Chipulun, and this goes to Harewari Road, Ratnagiri Powers. Look at this view, guys. Wow, isn't it awesome? What a view, man! What a view! Wow, my favorite road, man. सिर्फ काट के रोड बनाया हुआ है, पूरा माउंटेन में से काट के रोड बनाया हुआ है. बहुत सारे वर्ल्ड फिल्मों में ये रोड यूज किया हुआ है, जस्ट लाइक अ किल्ला मूवी, दे जस्ट डू द साइकिलिंग ओवर हियर. दिस इज व्हाई आई लव एंड दैट स्पॉट दैट रिटन प्राचीन कोकण, दैट इज द स्पॉट वेयर आई हैव ऑलवेज वांट टू टेक अ स्नैप. Look at this view. Oh ho man, awesome. So friends, can you see they are doing the scuba diving here at there too. Just now they are doing the paragliding also. They taken back on that beach. Beach dekh sakte ho, I don't think gate 3 justice kar raha hai. Wo jo curve hai wahan tak aare wale road jata hai, to ye road waise jaake village mein se jaake wahan se तक चला जाता है, उसके बाद रत्नागिरी पावर्स वो रोड से आते हैं.
So friends, now what I'm planning to take the bike from this route into sea, because last time jahan pe nikala tha Malgun beach wahan pe try kiya aur wahan pe clearly they have mentioned bike, the cars not allowed on that beach, so couldn't take it. Why not try our beast? I think this will be the first time I'm doing this kind of mad stuff, but try yaar, try karne mein kya jata hai. Chalo, mad stuff starts now. Here we go. Oh, yes! And I'm back on beach. The road are slushy. Tires are not giving good grip, so I have to be little bit careful. Wow, look at this, my daughter, how she is excited to be on beach. Because aap dekh sakte abhi main stand dalunga na thode thode time mein wo niche jayega. Look at this. Ye aisi stand rehti hai, to ek photo to banna tha. I don't think it's possible. So that's it friend, Malgun nahi to ye beach sahi. Aap dekh sakte hain bahut dur dur tak hai. जैसे जैसे इस लाइन के आगे लेके जा रहा हूँ ना, बाइक स्टैंड पे खड़ी नहीं रही, नीचे जा रहा है. यहाँ पे मैंने ट्राई किया था, ठीक है, यहाँ पे खड्डा बन गया. एक रिक्वेस्ट करूँगा आपको, जब भी आप कोकण आओगे तो बीच पे बाइक लाना और बाइक चलाना बॉस. जो फील है वो तो कोई भी लाइफ में कोई खुशी आपको नहीं दे पाएगी, ऐसी खुशी है ये. सो नाउ आई विल टेक बाइक आउटसाइड. अभी है यहाँ पे अग्नि परीक्षा. रुकूंगा तो अड़कूंगा. फाइनली. ओ मैन, बहुत खुश हूँ. फाइनली अचीव जिसके लिए आया था कोकण, राइडिंग ऑन अ बीच. एंड नॉट ओनली बीच, दिस काइंड ऑफ ब्यूटीफुल बीच मैन. ऑसम, इट फील्स ऑसम. सो बाइक इज बैक ऑन रोड. And here I am collecting all these things. जिंदा नहीं है, मरे हुए हैं. अब कोट करने से पहले बता देता हूँ. So they are just dying over here. तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ मेरे फिश टैंक के लिए. Those who don't not aware, I have 5.5 feet long fish tank at my home. So friends, time is exactly 6 o'clock, couldn't get the beautiful sunset, just miss kar diya 10 to 15 minutes. Kya kare, road bahut ganda tha while coming to Goa, agar aapne jaate hue subah dekh liya tha. So I think I should close this second day video here. So as always, if you guys like this video, don't forget to hit that like button, share with your friend, and if you haven't still subscribed to my channel, then yaar kya kar rahe ho aap, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए. ऐसे बहुत सारे ब्यूटीफुल वीडियो इन फ्यूचर आने वाले हैं. सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ. बाय बाय.